तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यामा FZ25 बाइक की और इस बाइक के क्या न्यू फीचर्स हैं 2023 में, वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 1,48,000 में आपको ये बाइक मिल जाती है। और बात करें हम इसके इंजन की, तो 249 cc का इसका आपको इंजन मिल जाता है और हेडलाइट आपको LED बल्ब्स में मिल जाती है, इसके इंडिकेटर्स आपको LED बल्ब्स में मिल जाते हैं। बात करें हम इसके माइलेज की, तो 50.33 किलोमीटर पर आवर का आपको ये माइलेज देती है। और इसके हम पावर की बात करें तो 20.8 PS से 8000 RPM तक का जो इसका इंजन है वो पावर डेवलपमेंट करता है। और बात करें हम इसके फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और बैक व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बात करें हम इसके टॉर्क की, तो 20.1 Nm से 6000 RPM तक का जो इसका इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। और पीछे व्हील में आपको जेनमैन यामा कंपनी का चेनसेट मिल जाता है। और बात करें हम इसके साइलेंसर की, तो इसका आपको न्यू फीचर्स न्यू मॉडल में साइलेंसर मिल जाता है। और बात करें हम इसके गियर्स की, तो 6 गियर्स में आपको ये यामा FZ25 बाइक मिल जाती है। और इसकी जो सीट है वो पीछे से थोड़ी सी उठी हुई होती है, फ्रंट में 2 शॉकर मिल जाते हैं और पीछे बैक में आपको 1 शॉकर मिल जाता है। इसका इंजन है वो हाई पावर का मिल जाता है आपको। और इसके सीट हाइट की बात करें तो 795 mm मिल जाती है। इसके फ्यूल टंकी की बात करते हैं तो 14 लीटर की आपको इसकी फ्यूल टंकी मिल जाती है। इसके कर्ब वेट की बात करते हैं हम, तो 154 किलोग्राम इसका कर्ब वेट मिल जाता है आपको। और बात करें हम इसके ओडोमीटर की, तो वो आपको डिजिटल मिल जाता है। और इसमें आपको एक साइड स्टैंड मिल जाता है, इसमें डबल स्टैंड आपको नहीं मिलता है, इसमें एक साइड स्टैंड मिल जाता है आपको। और बात करें हम इसके टैकोमीटर की, तो वो आपको डिजिटल टैकोमीटर मिल जाता है। और अगर हम इसके व्हील टाइप की बात करते हैं तो ट्यूबलेस मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और आपको इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, ठीक है। इसमें सेंसर एक्चुएटर मिल जाते हैं आपको। बात करें हम इसके कूलिंग की, तो एयर कूल्ड मिल जाती है आपको ये बाइक। और इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें स्पीड दर्शाई जाती है, न्यूट्रल लाइट दर्शाई जाती है। और बैक में आपको एक शॉकर मिल जाता है इसमें। और बात करें हम इसके फ्यूलिंग की, तो फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है इसमें आपको। और ये न्यू लुक्स में मिल जाती है आपको बाइक। बात करें हम इसके वाल पर सिलेंडर की, तो वो 2 मिल जाते हैं आपको। और सिलेंडर की बात करें तो इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की हम बात करते हैं, तो 134 किलोमीटर पर आवर की इसकी आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 2015 मिलीमीटर इसकी लंबाई मिल जाती है। चौड़ाई की बात करें तो 820 मिलीमीटर इसकी आपको चौड़ाई मिल जाती है। हाइट की बात करते हैं तो 1105 मिलीमीटर इसकी आपको हाइट मिल जाती है। इसके फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बैक व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और इसके स्टार्टर टाइप की बात करें तो ये ओनली सेल्फ से स्टार्ट होती है। फ्यूल गेज लेवल की बात करें तो वो आपको डिजिटल मिल जाता है। टैकोमीटर भी आपको डिजिटल मिल जाता है इसमें।